हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो देन इवेल्युएट अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा बीटा माइनस डेल्टा इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एंड एस। यह द की कॉन्सेप्ट इज की कॉन्सेप्ट क्या इस क्वेश्चन में हमारा? की कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा इसके अगर दो रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? सी अपॉन ए। इसकी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा। वैसे ही अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर जीरो, इसके रूट्स हैं गामा डेल्टा। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस आर, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू एस हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू हमें फाइंड करना है अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा। तो पहले अल्फा माइनस डेल्टा वाले टर्म्स ले लेते हैं। फिर क्या है? बीटा माइनस गामा बीटा माइनस डेल्टा, ठीक है। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसका प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा हटा देंगे अगर, डेल्टा प्लस गामा प्लस गामा डेल्टा, ये पहला ब्रैकेट। वैसे ही दूसरा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा कितना हो जाएगा? गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है? माइनस आर, गामा डेल्टा की वैल्यू एस, तो ये वैल्यू रख देंगे, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर अल्फा प्लस एस। वैसे इधर बीटा स्क्वायर प्लस आर बीटा प्लस एस, ये आ गया। अब ये अल्फा बीटा के टर्म्स में है, इसको भी हमें पी क्यू आर एस टी के टर्म्स में फाइंड करना है। तो एक एक करके ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की करेंगे, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस एस, फिर आर इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस आर बीटा प्लस एस, फिर एस से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा स्क्वायर प्लस आर बीटा प्लस एस। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देख, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस ये देखेंगे क्या है, यहाँ पे आर आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस आर बीटा है ना, तो आर ये हटेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस एस अलग आएगा अल्फा स्क्वायर। ये तो पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट में ऐसे ही आर हटेगा, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस आर आर की आर स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस आर एस अल्फा,
दूसरा ब्रैकेट हो गया ये वैसे ही, तीसरा ब्रैकेट कितना होगा, एस इंटू बीटा स्क्वायर प्लस आर एस इंटू बीटा, आर एस टू बीटा प्लस एस स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू अब हमें कितनी थी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यों है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, तो यहाँ अल्फा बीटा रखेंगे हम वैल्यू, यहाँ अल्फा बीटा रखेंगे, ये अल्फा बीटा हो गया कितना क्यू क्यू स्क्वायर। अब ये देखें जरा, हाईलाइट कर देते हैं ये और ये टर्म को हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आर अलग ले लिया हमने, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कॉमन है ना दोनों टर्म्स में से, ठीक है। वैसे ही हम एस कॉमन निकाल लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाएगी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये अभी जरा आर प्लस आर इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, वैसे ही आर एस और आर एस यहाँ से कॉमन है तो आर एस इंटू अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट में ये एस स्क्वायर बचेगा हमारे पास, तो इक्वल में कितना आ गया, क्यू स्क्वायर प्लस आर इंटू अल्फा बीटा, क्यू इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी प्लस एस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर क्यू प्लस आर एस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर माइनस पी प्लस एस स्क्वायर, ये लास्ट में ऐसे ही रहेगा। तो और सिंपलीफाई करेंगे अगर हम, ये हो गया आर स्क्वायर, हो तो गया माइनस पी क्यू आर प्लस एस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख देंगे हम, माइनस पी स्क्वायर है पहले से, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस आर स्क्वायर क्यू माइनस पी आर एस प्लस एस स्क्वायर। और सिंपलीफाई कर सकते हैं हम क्या इधर, तो देखें ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू आर प्लस पी स्क्वायर एस माइनस टू क्यू एस प्लस क्यू इंटू आर स्क्वायर माइनस पी आर एस प्लस एस स्क्वायर। अब ये सब अल्फा बीटा गामा डेल्टा सेट गया, पी क्यू आर एस टी में आ गया है, बस हमें यही निकालना था। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।